साहिब के बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में 3 रोजा 5वां नेशनल थाई बॉक्सिंग फेडरेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 19 राज्यों के 550 बच्चे भाग ले रहे हैं। इसके अलावा 6 तारीख शाम को पुरस्कार समागम भी आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली से आए थाई बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट का वहां आने पर धन्यवाद अदा किया। मैं डॉक्टर कुलदीप सोमनाक्षर, प्रेसिडेंट थाई बॉक्सिंग इंडियन फेडरेशन, जो यहां पर 5th थाई बॉक्सिंग नेशनल कैंप होने जा रहा है, उसमें लगभग आपके 15 स्टेट यहां पर आए हुए हैं, 15 राज्यों से प्लेयर आए हुए हैं, और ये आपका आज इसकी ओपनिंग है, और ये 6 तक आपका शाम को क्लोजिंग है इसकी। और ये एक ऐसा थाई बॉक्सिंग जो है थाईलैंड का नेशनल गेम है, जो यहाँ पर इंडिया में जो है लगभग इसको 10 साल हो गए चलते हुए, और इसमें पूरा सेल्फ डिफेंस का बहुत ही अच्छा गेम है ये, ताकि यहाँ पर इसको बच्चा जो है सेल्फ डिफेंस में आत्मरक्षा भी करना सीख सकता है, अचीवमेंट के तौर पर सीख सकता है। और इसका आपका सबसे बड़ी बात है कि इसका स्कूल गेम में भी इसका इंट्रोड्यूस है ये, 2 कैटेगरी में, 17 और 19 कैटेगरी में। और अभी ऑन फ्यूचर इसका नेक्स्ट मंथ फैम में 1-2-3 फरवरी को गोवा में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होने जा रहा है इसका। बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस के 5वां थाई बॉक्सिंग नैशनल फैडरेशन कप जो कंडक्ट किया जा रहा है, सानू माण है कि साडे कॉलेज के कैंपस के ईवेंट हो रही है, जो कि नैशनल लेवल की 19 स्टेट्स तो तकरीबन 550 बच्चे इतने आ रहे हैं, जो कि 3 रोजा ईवेंट के अंदर हिस्सा लैणगे। जम्मू कश्मीर तो और सब तो दूर जिहड़ी स्टेट नॉर्थ ईस्ट तो साढ़े कोल इत्थे टीम आई हुई ने, जिन्हों का पूरा बंदोबस्त कॉलेज कैंपस में किया गया है, और कल सवेरे 9 बजे तो लैके परसों शाम के 6 बजे तक इन्हों दे अलग अलग कैटेगरीज़ के कंपटीशन होने ने, जो कि 2 अलग वेन्यूज से हो रहे हैं, और 6 तारीख शाम को इत्थे ही बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम के इनाम वंड समारोह किया जाएगा।